कौशल जी बोल रहे हैं? जी सर, बोल रहे थे। कैमूर से, मान भभुआ से। जी, भभुआ से कौशल बात कर रहे हैं। मैं शैलेंद्र दीक्षित बोल रहा हूँ। जी कौशल जी सर, जी, आप भास्कर में हैं, विधानसभा जी चुनाव भी कवर किया होगा, घूमे होंगे। जी जी बिल्कुल। एग्जिट पोल आने से थोड़ा सा, मैं बिफोर मिनट से शैलेंद्र दीक्षित बोल रहा हूँ, और मैं कह रहा जी हूँ जी एग्जिट पोल आने से थोड़ी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। ठीक जी है जी जी सर बिल्कुल। कि क्या हो माने ये सही है, जमीन की हकीकत के पास है कि नहीं है, ठीक है जी ना, जी ये नहीं मालूम है, ये थोड़ा जी संशय हो गया है। तो जी हम जी ये जानना चाहते हैं कि कैमूर में जी क्या मतलब कितनी सीटें थी, उनमें क्या कितने प्रत्याशी थे, और जितनी सीटें थी उसमें आप किसको कितनी सीटें दे रहे हैं, मतलब हाँ महागठबंधन को कितनी जा रही है और ये एनडीए को क्या जा रही है, और चुनाव के मुद्दे क्या थे आपके यहाँ? जी आपके जी यहाँ मेरी समझ में पहले ही चरण में मतदान हो गया था। जी पहले ही चरण में यहाँ मतदान हो गया था। शुरू में तो सर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या, जब तक प्रत्याशी नहीं किए थे। जी अब आप हमको पूरा बताइए सिनेरियो कि कैमूर में जी जी कितनी सीट है, कितने % मतदान हुआ, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। जी यहाँ प्रमुख रूप से महागठबंधन और एनडीए के बीच में ये चारों सीट पर अभी भी कांटे की टक्कर है। आपके यहाँ कैमूर में चार सीटें हैं, आपके यहाँ जी चार सीटें हैं यहाँ। तो चार में आप किसको कितनी दे रहे हैं? यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई हो गया है सभी सीटों पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश सटा हुआ जिला है, राज्य है, तो इसका असर यहाँ मैंने कैमूर के चारों सीटों पर पड़ रहा है। बीएसपी और ये राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा हैं इन लोगों का, और ये असदुद्दीन ओवैसी की, ये जो बना गठबंधन, इसका असर ये त्रिकोणीय इधर कर दिया है। हाँ, तो स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कौन लीड करेगा यहाँ, लेकिन लड़ाई आपके हिसाब से चारों सीटों पे ये नहीं कहा जा सकता है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा जी, बिल्कुल बिल्कुल है ना? जी बिल्कुल, लड़ाई जी त्रिकोणीय है। वैसे अंतिम दौर में ये बीजेपी महागठबंधन और यूपीए के बीच में लड़ाई कांटे की है। अच्छा, जी बात करते हैं सर, सबसे पहले तो 203 है यहाँ, 203 रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उनके बेटे भी चुनाव मैदान में है राजद से ही। जी इसके पहले वे 2010 में भाजपा के कैंडिडेट हुए थे, लेकिन चुनाव हार गए थे। फिर अगली बार उस समय मैंने बगावत करके, पिता से बगावत करके भाजपा से चुनाव लड़े थे। उस समय जगदानंद सिंह ने पूरा सपोर्ट किया था अपने इनको अंबिका सिंह यादव को, पार्टी की ओर से सब साथ में थे। अंबिका सिंह यादव चुनाव जीते भी जी। 2015 में यहाँ अशोक सिंह विधायक बने भाजपा के। इसके पहले ये जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष थे। अब वही स्थिति, अब जदयू छोड़ के ये गए वहाँ इसमें भाजपा के टिकट से चुनाव लड़े थे। वही स्थिति भभुआ में हुई है यहाँ, क्योंकि भभुआ में यहाँ किसका पलड़ा भारी आपको लग रहा है? सर आप अगर पलड़ा जो भारी नहीं माने कहा जा सकता, ये स्पष्ट नहीं हो पा जगदा रहा है। बाबू के लड़के अगर वहां से लड़ रहे हैं जी जी तो जगदा बाबू का जो इफेक्ट होगा उसका लाभ तो उनको मिल रहा होगा। बिल्कुल मिला है सर, बिल्कुल मिला है। जनता ये एक पक्षी भी हुई है वहाँ, वोटिंग भी अच्छा हुआ है उनके पक्ष में, लेकिन लड़ाई कांटे की है, भाजपा और राजद के बीच लड़ाई कांटे की है। अच्छा, जी ठीक। अच्छा, आप यहाँ दूसरी। जी जी इसके पहले इस सीट से विधायक थे अंबिका सिंह यादव राजद से, जब राजद ने टिकट इनको दे दिया सुधाकर सिंह को, तब वे बागी होके बसपा ज्वाइन कर लिए और उससे चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। जी ये तो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र का स्पष्ट हो गया। जी अब आते हैं सर हम, आगे बताइए। जी आते हैं सर, मोहनिया सुरक्षित सीट है 204, यहाँ निरंजन राम भाजपा के प्रत्याशी हैं, संगीता कुमार राजद की हैं, मतलब महागठबंधन से। संगीता कुमार का पारिवारिक पृष्ठभूमि भी ठीक ठाक रहा है, उनके पिता शंकर कैमूर जी हैं, प्रख्यात ये कवि भी हैं लोकल, और ये सामाजिक कार्यों में भी आगे रहते हैं।
इसका भी फायदा इनको मिल रहा है। लेकिन लड़ाई वही बीजेपी वर्सेस राजद हो गई है यहाँ भी, लेकिन त्रिकोणीय भी कहा जा सकता है क्योंकि श्वेता सुमन है, ये जिला पार्षद है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के टिकट से चुनाव भी लड़ रही है जी, तो यहाँ भी त्रिकोणीय हो गया है, स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि कौन लीड कर रहा है जी। इसी तरह वोटिंग हमारे जिले में ओवरऑल बात करें तो 62% हुई है जी। अब बात करते हैं 205 विधानसभा क्षेत्र है भभुआ का जी। यह अभी भाजपा के खाते में है, यहाँ से उपचुनाव जीत कर रिंकी रानी पांडे विधायक बनी है। इसके पहले इनके पति आनंद भूषण पांडे थे, वो विधायक थे, लेकिन बीच में ही वो उनका निधन हो गया तो उपचुनाव में ये जीती। इस बार भी पार्टी इन पर भरोसा की है, टिकट दी है, अच्छा चुनाव भी लड़ रही है। यहाँ भी स्थिति त्रिकोणीय है, भरत बिंद यहाँ राजद के कैंडिडेट हैं, ये पहले बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, पिछली बार भी चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। अब ये इनको राजद में लाकर टिकट दिया गया, अंतिम इसी में हुआ, ये अंतिम समय में फाइनल हुआ कि इनको टिकट दिया जाएगा यहाँ चुनाव लड़े, तो लड़ाई यहाँ भी कांटे की हो गई। तीसरे प्रत्याशी यहाँ है वीरेंद्र कुशवाहा है, जो बताया कि यूपी सेट पर यहाँ काफी कम काम करता है, बीएसपी का असर भी यहाँ होता है, तो ये वीरेंद्र कुशवाहा है यहाँ से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कैंडिडेट हैं, ये महासचिव भी रहे पार्टी के, इसके पहले करगर से चुनाव भी लड़े थे, करगर में सफलता नहीं मिल पाई थी क्योंकि ये इनका गृह जिला भी है, तो इस हिसाब से यहाँ आ गए, तो यहाँ भी अच्छी टक्कर में है, तीनों का अच्छा वोटिंग हुआ है, तो स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अच्छा, यही दशा चौकी सीट सर चैनपुर है, यहाँ से भाजपा के कैंडिडेट हैं ब्रजकिशोर बिंद, ये प्रदेश में सरकार में मंत्री भी रहे हैं, खनन मंत्री, लेकिन इस बार इनकी हालत खराब है। यहाँ बड़ा दिलचस्प हो गया है सर, इनका विरोध हो रहा था, इसके बाद भी पार्टी भरोसा दी थी इनपे, सर दी इनको। यहाँ पिछली बार जब 2015 के चुनाव में 700 वोट से जीत पाए थे, दूसरे प्रत्याशी थे बहुजन के जमा खान जी, उनको मैंने जमीनी नेता हैं, जुड़े हुए हैं जी, दो तीन टर्म से प्रयास कर रहे हैं, इस पर ज्यादा सफलता है जमा खान जी, मंत्री का गड़बड़ हो सकता है, मतलब दावा तो दोनों तरफ से हो रहा है, लड़ाई कांटे की है जी। आपके यहाँ लड़ाई त्रिकोणात्मक चारों सीट पे हो रही है और कांटे की है, कांटे की लड़ाई है जी, नेक टू नेक है, तो जो मतलब जीतेगा मार्जिन ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना जी, 1000-2000-5000 यही मार्जिन होगा, मैक्सिमम 5000 तक, इसलिए कहना मुश्किल है, आपकी राय यही है, ठीक है ना जी, बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल है सर। कौशल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे पाठकों को किया कि उनको समझने में सहूलियत होगी, ठीक है ना जी, बहुत 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 धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।